गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं बस अभी सोकर उठी हूँ। सुबह के 7 बज रहे हैं और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। आज 8th of September है और आप लोग जानते ही होंगे कि दिल्ली में G20 समिट है, तो लॉन्ग वीकेंड है। तो मैं अपना लॉन्ग वीकेंड एंजॉय करने अपनी नानी के घर जा रही हूँ, क्योंकि उससे बेटर जगह क्या हो सकती है। चलो मैं आपको अपने कजन से मिलवाती हूँ और देखते हैं कि हम क्या क्या मस्ती करते हैं। नमस्ते मम्मी। नमस्ते नानी। हेलो गाइस, अब दिन हो गई है तो मैं आपको एक बहुत स्पेशल इंसान से मिलवाना चाहती हूँ। तो ये है श्रेया, मैं हूँ रिद्धि एंड वेलकम टू आवर चैनल द ड्रामेटिक डुओ। गाइज आप हमें फॉलो करो अगर आपको चैलेंज वीडियोस देखनी है, या फिर आप लाइफस्टाइल व्लॉग्स, डेली व्लॉगिंग देखनी है, या फिर आपको हम दोनों की मस्त जुगलबंदी देखनी है, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जल्दी से जाके नीचे सब्सक्राइब बटन और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, मत भूलना। उस पर हम कुछ बहुत ही क्रेजी रील्स डालते हैं। अभी भी हमारी शाम हो चुकी है तो हम रील्स बनाएंगे, उसकी भी आपको एक स्नीक पिक दिखाते हैं। ठीक है, तो लेट्स डाइव इनटू द स्नीक। तो गाइज अब हम कुछ बहुत ज्यादा क्रेजी करने वाले हैं। ये अपनी उंगली काट के एक रील बनाने वाली है। मुझे हीमोफोबिया है तो उससे रिलेटेड रील है। हीमोफोबिया जिन लोगों को नहीं पता वो ये होता है, मैं इलैबोरेट करती हूँ, वो है खून का डर। गाइज तो अगर मुझे खून दिख जाता है तो मैं थोड़े से चक्कर आ जाती, पागल वागल हो जाती है, बेहोश हो जाती है, थोड़ी देर के लिए। हाँ तो ये तो मैं देखो रील के लिए हमारी डेडिकेशन इतनी है, मैं बेहोश होने के लिए तैयार हूँ। ये अपनी उंगली काटेगी एक रील बनाने के लिए। ओके जस्ट किडिंग, हम वॉयलेंस सपोर्ट नहीं करते। फूड कलर यूज करूंगी गाइस, तो गाइस हम फूड कलर यूज करने वाले हैं, रेड फूड कलर। और अगर आपको रील देखनी है कि हमने क्या रील बनाई है, तो उसके लिए जाते हैं। मुझे उंगली काटनी पड़ी, किस चीज की वजह से श्रेया को अपनी उंगली काटनी पड़ी, तो वो चीज देखने के लिए आप हमें या तो शॉर्ट वीडियो पे जाके देख लीजिए, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। स्टे ट्यून्ड। अब हम आपको शाम को मिलते हैं जब हम मोमोज खाएंगे, और श्रेया मुझे आज एक बहुत स्पेशल जगह पर लेके जाने वाली है। यस, इतनी फेमस है बेचारी आई, और जब वो बंद हो गया था पूरन मोमोज हम जाएंगे। अगर आप रोहतक आते हो ना तो आप भी पूरन के मोमोज ट्राई करना। तो गाइज मैं देखना चाहती हूँ कि ये क्या हाइप है पूरन के मोमोज की। मैं लास्ट मंथ आई थी और वो शॉप ही बंद हो गई थी, तो अब जाके मैं ट्राई करूंगी कि ऐसी क्या हाइप है और इस मैडम को क्यों इतने मोमोज पसंद है। बाय द वे ये मोमो क्वीन है। कमेंट डाउन बिलो कौन मोमो लवर है और कौन मोमोज का चैलेंज भी करेंगे। हाँ, अगर आप मोमोज का चैलेंज देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। तो आपके कहने पे करेंगे, वैसे नहीं करेंगे हम। ठीक है गाइज, अब हम आपको शाम में मिलते हैं, बाय। शाम का टाइम हो गया है, आप देख सकते हैं कि सब अभी रिलैक्स कर रहे हैं, और देखो आप ये खेल रहा है छोटा सा बच्चा बिना गार्लिक वाली, जिसके गार्लिक ये अपना शॉर्ट देने आया है कि मैं भी हूँ इस व्लॉग में। हाय बोल दो आराम से। और मम्मी इसको ऐसे प्यार करती है और हमें ऐसा प्यार आज तक नसीब नहीं हुआ है, ऐसा वाला नसीब। और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म भरा जा रहा है, पता नहीं क्यों जब ड्राइविंग आती नहीं है तो ढंग से ड्राइव कर लेती हूँ मैं। देखिए गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी मामी आराम से रिलैक्स कर रही है और मेरी नानी बेचारी पैर दबा रही है। ये है मॉडर्न सास बहू का रिश्ता। और यहाँ पे वो चल रही है किसी पार्टी एक, मतलब मेरी किस्मत है ये, क्या है आई डोंट नो। और गाइस हमारे साथ हमारा बच्चा भी आया है, दीपू। हाय बोल दो। हाय, वो अपनी बीबी हाय बोल, वो बिजी है अभी।
वो एक्सप्लोरिंग में लगा हुआ है, उसको नए नए फेसेस देख रहे हैं। बहुत एक बैठे हुए थे इस मैडम को गोल्डन में खाने का मन कर गया, अब यार मुझे तो उस ट्रेडिशनल में खाना होता है जिसमें भैया की स्पीड और हमें अपनी खाना मैच करनी पड़ती है, मैच करनी पड़ती है, बट हमें यहाँ पे प्लेट में सर्व करेंगे बहुत सोफिस्टिकेटेड, पर हमें यहाँ पे अब शाम हो गई है और अब हम जा रहे हैं पूरन के मोमोज की हाइप ट्राई करने के लिए, देखना है मुझे कि ऐसा क्या है पूरन के मोमोज में। तो चलो चल अब मोमोज खाते टाइम मिलेंगे, बाय बाय। तो गाइज ये है पूरन के मोमोज और जो हमने खाने भी शुरू कर दिए थे और अब हाँ मतलब हमने शॉर्ट बाद में लिया है। तो गाइज अब हम शेक पीने आ गए हैं, हमारा कुछ ना कुछ चले ही जा रहा है, मतलब पहले मोमोज थे फिर पार्थ का हमारा पास्ता खाने का मन कर गया, अब हमें कुछ मीठा खाना था, इसको कॉफी पीनी है तो कॉफी शेक सब साथ में पी रहे, अब देखते हैं आगे कुछ केक खाने का मन किया तो वो भी खा लेंगे। रात में आज मम्मा ने मूंग दाल का हलवा बनाया भाई है, हाँ तो अब हम मूंग दाल का हलवा फेवरेट है वो, तो रात को ट्राई करेंगे कि मामी ने मूंग दाल का हलवा कैसा बनाया और आई विश मैं आपको भी खिला पाती बट हम रात को देखते हैं कि कैसा है सब कुछ, तो अभी शेक पीते हैं फिर ब्लॉग। अब हमारा दिन पूरा हो चुका है और हम बहुत थक गए हैं तो हम कुछ और नहीं करने वाले, फर्स्ट डे था व्लॉगिंग का बहुत ज्यादा ही टायरिंग, काफी हमें बड़ा अलग लग रहा है बट अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम बहुत कंटिन्यू करेंगे। और अब हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, आगे से हम शुरू करेंगे मिडनाइट टॉक्स, अभी हम बता देंगे कि किस शेड्यूल के हिसाब से आएगा बट डू और वो कम्प्लीटली क्या चीज है, हाँ वो हम आपको बाद में बताएंगे, और चैलेंज वीडियोज व्लॉग वीडियोज कॉलेज वीडियोज आते रहेंगे और लास्ट में एक स्पेशल मैसेज, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ड्रामेटिक डुओ, बाय।